बचाने के धुन में खुद को जला लिया आपने। आप आ गए? हमें सब पता चल गया सही, सब कुछ। सब कुछ हमारे साथ है, क्यों हो रहा है राजे? हमने इतनी शक्ति नहीं है, इतनी शक्ति हमने। आदिलशाही सेवा में है, लेकिन उसके अत्याचार से त्रस्त होकर कई आदिलशाही सरदारों की तरह हम भी स्वराज्य के संग्राम में आपका साथ देना चाहते हैं। हर स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए स्वराज का मार्ग खुला है सरदार पांडे, हार्दिक स्वागत है आपका। धन्य हो राजे, सेवक अपनी धरती माँ की रक्षा में मर मिटने को तैयार है। बताइए क्या आदेश है? आदेश नहीं सरदार पांडे, निवेदन अवश्य कर सकते। ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी राजे, कृपया आदेश करें। सरदार पांडे आप तो जानते ही, बजाजी राजे का अफजल खान ने छल से अपहरण कर लिया है। आप मलौड़ी के सरदार हैं और फलटन के निम्बालकर घराने के निकटवर्ती भी, इसलिए बजाजी राजे को छुड़ाने का दायित्व हम आपको सौंपते हैं। लेकिन कैसे राजे? अफजल खान ने तो ये शर्त रखी है कि मालूम है हम, परंतु आप वही कीजिए जैसा हम कहते हैं। बताइए। क्षमा कीजिए, हम मर जाएंगे लेकिन हमसे ये नहीं होगा। भगवान के लिए ये कार्य किसी और को दे दीजिए। ऐसा मत कहिए सरदार पांडे, अभी अभी तो आपने कहा था कि आप स्वराज के लिए मर मिटने को तैयार हैं। सरदार पांडे, हमने जो कहा वही अगर आपने किया तो सांप का फन भी कुचल जाएगा और लाठी भी नहीं कटेगी। बचे। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम राजगढ़ में प्रतापगढ़ में संदेश भिजवाइए कि समय समय पर इस तरह से ऐसी कार्रवाई की जाए जिससे ये आभास हो कि हम प्रतापगढ़ में ही हैं, राजगढ़ में। आपके आदेश का पालन करा। अफजल खान के पास हमारा संदेश भेजिए जिससे उसे आभास हो कि संदेश प्रतापगढ़ से आया है, राजगढ़ से नहीं। मुझे नहीं लगता कि शिवाजी बजाजी राजे निम्बालकर के लिए अपने प्राण जोखिम में डालेगा। गलत। इसका मतलब पांडे सरदार आप शिवाजी को बिल्कुल नहीं जानते। क्षमा कीजिएगा हुजूर। सच्चाई यह है कि फल्टन के नाइक निम्बालकर भी हमारी तरह आदिलशाही शासन के अधीन हैं। इसलिए शिवाजी हम जैसे मराठाओं से नफरत करता है। झूठ, बिल्कुल झूठ। शिवाजी किसी भी मराठा से घृणा नहीं करते। आप चुप रहिए बजाजी राजे। आप शिवाजी राजे के बारे में ऐसे घृणित विचार रखते हैं और आप हमें कहते हैं कि हम चुप रहे। शिवाजी अपना शासन चलाना चाहता है। आदिलशाही शासन से नफरत है उसे। मानसिकता से परिचित नहीं है आप। हम परिचित नहीं, हम हमारी बहन के पति है। उससे ज्यादा उन्हें और कौन जान सकता है। बजाजी राजे बच्चे हैं आप अभी, क्या जाने कि राजनीति में कैसे कैसे दांव खेले जाते हैं। शिवाजी कौन सी चाल चल रहा है ये हम जानते हैं। राजनीति में भावना और संबंधों की हत्या कर दी जाती है, तब जाकर कहीं शासन की बागडोर सामने आती है। अगर हम प्राण लेना जानते हैं तो हम प्राण देना भी जानते हैं। मार डालिए हमें, मार डालिए। लेकिन बजाजी के मुख से राजा के खिलाफ एक शब्द भी नहीं निकलेगा। से जवाब भेजा है। देखिए मिल गया उत्तर। अफजल खान, शिवाजी आदिलशाही हुकूमत और उसके वफादारों को राज का शत्रु मानता है और इस वक्त जिसे तुमने बंदी बनाया हुआ है वो भी आदिलशाही शासन के अधीन एक जागीरदार है, इसलिए वो भी हमारा शत्रु ही हुआ। अच्छा हुआ कि तुमने हमारे रास्ते के एक कांटे को खुद निकाल दिया। अब पलटन भी आसानी से स्वराज का एक अभिन्न अंग बन जाएगा।